भाई देखो यहाँ लिखा है EATS, ईट्स मतलब होता है खाना जी। दो डंडी छेड़ के दूसरा वर्ड बनाना है, अगर कर दोगे तो तुमको मिलेगा एक आईफोन 13। हाँ बहुत बढ़िया बोले, EATS ईट्स मतलब खाना, दो डंडी छेड़ के नया वर्ड बनाना। 200 रुपए एंट्री फी है। और भाई सुन लो, एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाए। क्या बना दिया? CAIS। एक और डंडी छेड़ना है दोस्त, ऐसे थोड़ी। CAIS काइस। अरे सुनिए ना, जैसे करोड़ को CR लिखते हैं वैसे मेरा काइस को CAIS लिखते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आईफोन दीजिए। EATS ईट्स मतलब होता है खाना जी। दो डंडी छेड़ के दूसरा वर्ड बनाना, दूसरा वर्ड बनाना। देखिए कैसे बनेगा भैया। हाँ बन जाएगा। ये देखिए, दो डंडी छेड़ ली है, लगाइए। ये क्या हो गया? H A T S। मतलब क्या होता है? अरे भाई फोन लेके भाग गया। अरे पकड़ पकड़ पकड़।